हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जड़ के रूपांतरण के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बॉटनी का, जो कि क्या था, जड़ के ऊपर था। इसके 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उस 2 लेक्चरों में मैंने बेसिक पढ़ाया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जड़ के भाग और विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, और दूसरे में जड़ के प्रकार। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जड़ों का रूपांतरण, किस तरीके से जड़ का रूपांतरण होता है और किस किस काम में वो आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए ये ज़मीन है और ये एक पौधा है, और ज़मीन के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है पौधे का, वो कहलाता है जड़। समझिएगा, सिवाय कुछ 1-2 उदाहरण को छोड़ के जिसमें ज़मीन के ऊपर भी जड़ें निकल आती हैं, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो में देख रहे होंगे। और जड़ जो होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है पौधे में, तो ये समझिएगा। जैसे कि मकान में नींव होती है, नींव क्या करती है, मकान को सीधा खड़ा रखती है ताकि आंधी तूफान आए तो मकान आपका ना गिर जाए। इसलिए अच्छी नींव होगी तभी मकान आपका अच्छा होगा। ऐसे ही जड़ें होती हैं, वो पौधे को क्या करती हैं, ज़मीन में स्थापित करती हैं। जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होंगी अगर, तो क्या होगा, पौधा आपका गिर जाएगा। इसीलिए जड़ का एक सबसे मुख्य कार्य क्या होता है कि पौधे को स्थापित करती हैं वो ज़मीन में, स्थापित करना। और वहीं दूसरा कार्य क्या होता है जड़ का, तो आपने देखा होगा जड़ के ऊपर छोटे छोटे मूल रोम मौजूद होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे बाल के जैसे मूल रोम मौजूद होते हैं। इसके द्वारा जड़ें क्या करती हैं, पोषक तत्व और जल का अवशोषण करती हैं। जैसे पौधा जो है उसको जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो ज़मीन से ही, भूमि से प्राप्त होता है, मिट्टी से। तो उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम मौजूद होते हैं छोटे छोटे, मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। वो क्या करते हैं, जल और साथ ही साथ पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं जड़ के, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ज़मीन के नीचे जो फसलें होती हैं उनको हम क्या कहेंगे। जैसे कि ज़मीन के नीचे पौधे का भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। ऐसे जो फसलें ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे आपने देखा होगा धान गन्ना, ये सब ज़मीन के ऊपर उगता है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे भी उगती हैं, जैसे कि मूली। ठीक है, मूली हो गया, गाजर है, ऐसे ही ढेर सारी, और सलजम है, चुकंदर है, ये सब क्या है आपकी, ये ज़मीन के नीचे इनकी ग्रोथ होती है, इनकी वृद्धि होती है। तो ये फसलें क्या कहलाती हैं, इनको हम लोग जड़ फसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूट क्रॉप्स। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा बताओ कि चुकंदर क्या है, जड़ फसल है कि तना वाली फसल है कि पत्ती वाली फसल है। जैसे पत्ता गोभी क्या है, वो एक पत्ती वाली फसल है, लीफी वेजिटेबल। उसी तरीके से ये मूली गाजर क्या है, ये जड़ वाली फसलें हैं, जिनको हम लोग रूट क्रॉप्स बोलते हैं। क्यों जड़ वाली फसलें हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि ज़मीन के नीचे होती है। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देखो, ये गाजर है, इसी तरीके से क्या हो रहा है, ज़मीन के नीचे इसकी वृद्धि हो रही है। है तो एक प्रकार की जड़ ही ना वो, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जड़ फसल बोल देंगे। अच्छा, तो 2 कार्य हमने पढ़े थे जड़ के। एक था आपका स्थापित करना पौधे को ज़मीन के अंदर, और दूसरा क्या था कि जल का और पोषक तत्वों का अवशोषण करना। लेकिन कभी कभी जड़ें कुछ और कार्य भी करती हैं। आइए देखते हैं कौन से कार्य। जैसे कि पहला कार्य क्या है, खाद्य पदार्थ को एकत्रित करना, जिसके कारण वे फूल कर मोटी हो जाती हैं। देखो उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये गाजर है, वैसे तो जड़ इसकी ऐसी होनी चाहिए थी, बहुत पतली पतली, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने अंदर भोजन का संचय कर रहा है, अपने अंदर एकत्रित कर रहा है। जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो मोटे हो जाते हो, उसी तरीके से गाजर जो जड़ फसल है एक, वो अपने अंदर भोजन का संचय कर लेती है, एकत्रित कर लेती है, इसी कारण वो फूल जाती है। लेकिन है वो क्या है, तो एक प्रकार की जड़ ना, तो ये कार्य भी जड़ का होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि पौधे जो होते हैं आपके, वो भोजन बनाते कैसे हैं। तो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कोई पौधे में फल लगाता है तो वो कैसे लगाता है, कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो वो फल नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो फल लगाता है। तो पौधे में एक क्रिया चलती है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है पौधों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कार्य क्या होता है कि पौधों की अतिरिक्त यांत्रिक सहायता करना, जैसे कि सहारा देना। अब कुछ पौधे ऐसे क्या होते हैं, वो बहुत ही लचीले होते हैं, अगर उनकी जड़ें गहरी नहीं होंगी तो वो गिर जाएंगे। तो पौधों को सहारा भी कौन देता है, जड़ें ही देती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या है, पौधों को स्थापित करना, वो काम किसका है, जड़ का है। इस तरीके से सहारा भी देती हैं। फिर उसके अलावा विशेष जैविक कार्य, जैसे एक से अधिक समय तक जीवित रहने के लिए, ठीक है, कायिक प्रवर्धन करना, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, श्वसन करना,
और प्रकाश संश्लेषण करना, ये सब आपके कोर्स में है, चिंता मत कीजिए, एक एक करके मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा कार्य पढ़ने वाले हैं जड़ का, वो है खाद्य पदार्थ एकत्रित करके फूल जाना। समझ रहे हैं कि जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फूल जाते हैं ना, उसी तरीके से जड़ें भी हो जाती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य पदार्थ एकत्रित करके जब वो जड़ें फूल कर मोटी हो जाती हैं उनके बारे में। तो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि जड़ें आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी होती है मूसला जड़ और दूसरी आपकी होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो मूसला जड़ का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो इस फोटो में बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं इस पर कलर कर रहा हूँ, ये देखिए एक इसकी प्राथमिक मूल निकल के आती है, फिर उससे ही छोटी छोटी द्वितीयक मूलें निकलती हैं, एक बीच में ऐसे लंबी सी क्या निकल के आएगी, प्राथमिक मूल निकल के आती है। तो ऐसी जड़ों को हम लोग क्या कह देते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। फिर मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, मूसला जड़ें किस में पाई जाती हैं, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। और वहीं अपस्थानिक जड़ों में आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर फोटो में आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कोई भी प्राथमिक मूल नहीं है, सब एकदम रेशे जैसी निकली आई हैं, है ये देखिए सब क्या है, धागेनुमा रेशे जैसी निकली हैं, इसमें कोई भी एक मोटी प्राथमिक जड़ नहीं आई है। तो ऐसी जड़ों को हम लोग अपस्थानिक बोलते हैं या फिर रेशेदार मूल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मूसला जड़ों में भोजन संचय, कि मूसला जो जड़ें होती हैं उनमें भोजन संचय किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला प्रकार जो है उसमें तर्क रूपी होता है। अब तर्क रूपी में क्या होता है कि जड़ जो होती है, मान लीजिए ये जमीन है और जमीन के नीचे ये मूली जो है आपकी नीचे की ओर वृद्धि कर रही है, ऐसी जड़ों में क्या होता है कि बीच में आपकी मोटी होती है जड़, यहाँ पे देखिए, और सिरों पे ये पतली हो जाती है जाके। इसका उदाहरण क्या है, मूली आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बताइए मूली में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो आपको क्या बताना है, तर्क रूपी जड़ पाई जाती है, तर्क रूपी मूसला जड़। समझ रहे हैं, आपको कुछ और खास याद नहीं रखना, केवल उदाहरण याद रखना है। तो आपको क्या बताना है कि वो जड़ें तर्क रूपी हो जाती हैं, मतलब बीच में मोटी और सिरों पे पतली, जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मूली में कैसी पाई जाएगी, तर्क रूपी। फिर दूसरी ओर बढ़ते हैं कुंभी रूपी। अब कुंभी में क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका ये शलजम है, इसमें आपकी जड़ क्या हो गई है, गेंद के समान हो गई है। गेंद आपकी गोल गोल होती है ना, मोटी मोटी, तो ये गेंद के समान जड़ हो जाती है फूल के। और ये सब क्यों फूल नहीं है, मैंने आपको बताया था क्यों फूल नहीं है, क्योंकि इन सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और साथ ही साथ भोजन का निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपको समझाया था कि भोजन का निर्माण पौधों में कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऐसे ही जब इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, खाना बनेगा, अब वो खाना कहीं तो जाएगा ना, तो वो एकत्रित हो जाता है जाके जड़ों में, इसलिए ये फूल जाती हैं। मूली कैसे फूल रही थी, लंबी लंबी फूल रही थी, बीच में मोटी थी। वहीं शलजम आपका क्या है, गेंद जैसा आकार ले ले रहा है। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि शलजम में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो आपको क्या बताना है, कुंभी रूपी। और ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, मूसला जड़ों के अंतर्गत आती हैं। शुरू में मैंने आपको दो प्रकार की जड़ें पढ़ाई थी ना, मूसला जड़, यहाँ पे देखिए, जिसमें एक प्राथमिक मूल निकली है, ये जड़ें क्या है, मूसला जड़ें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मूसला जड़ें पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही ये मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तर्क रूपी हमारी हो गई थी और कुंभी रूपी हो गई थी, इसका उदाहरण क्या था, शलजम था। फिर है शंख रूपी, जो शंख के आकार की होती है, मतलब कोन के आकार की होती है। इसमें देखिए सिरे पे, एक सिरे पे, नीचे वाले सिरे पे कितनी ज़्यादा पतली हो जाती है। इसका उदाहरण आपका क्या है, गाजर। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए गाजर किस प्रकार की जड़ फसल है, तो आपको क्या बताना है, शंख रूपी जड़ें पाई जाती हैं गाजर में, या शंख प्रकार की जड़ फसल है गाजर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। फिर आपका अगला प्रकार जो आता है वो कंदिल तथा कंदिल गुच्छ। अब इसमें देखिए, अब ये देखिए, ये जो आपकी जड़ है ये अनियमित प्रकार की जड़ है, इसका कोई मतलब नियमित आकार नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण क्या होता है आपका, सबसे पहले तो गुलाबांस है, पहली वाली जो फोटो आप देख रहे हैं ये गुलाबांस की है, और दूसरी वाली जो फोटो है वो रुएलिया की है, समझ रहे हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये कौन सी जड़ें कहलाई जाती हैं, कंदिल तथा कंदिल गुच्छ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा सरल है, ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड। तो ये था हमारा कंदिल तथा कंदिल गुच्छ। तो अभी तक जितने भी हमने चार प्रकार के उदाहरण पढ़े थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, मूसला जड़ों के अंतर्गत आते हैं। पहला हमने पढ़ा था तर्क रूपी, जिसका उदाहरण क्या है, मूली। दूसरा हमने पढ़ा था कुंभ रूपी, जिसका उदाहरण क्या है, शलजम। फिर तीसरा हमने पढ़ा था शंख रूपी, जिसका उदाहरण क्या है, गाजर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गाजर में कैसी जड़, मूली में कैसी जड़, शलजम में कैसी जड़, समझ रहे हैं। फिर चौथा आपका एग्जांपल था कंदिल तथा कंदिल गुच्छ का, ठीक है, जिसका उदाहरण क्या था, गुलाबास या फिर रुएलिया।
अब हमारी मूसला जड़ें यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। अब बारी आती है अपस्थानिक जड़ों की। अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं, देखिए फिर से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये पौधा है, इसमें ऐसे ही रेसेदार जड़ें निकल आई हैं। देखिए कोई मुख्य एक जड़ नहीं निकली है, कोई प्राथमिक मूल नहीं निकली है इसमें, केवल ऐसे रेसे की भांत सारी जड़ें निकली हुई हैं। ऐसी जड़ें हमारी क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक कहलाती हैं। अब इनमें भी भोजन का संचय होता है, भले ये बहुत पतली पतली हैं, रेसेदार हैं, लेकिन भोजन का संचय फिर भी होता है इनमें। देखिए कैसे, सबसे पहला है आपका कंदिल मूल। कंदिल मूल आपका मूसला जड़ों में भी था लेकिन इसमें भी है, समझ रहे हैं। इसमें भी अनियमित प्रकार की हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें शकरकंद आ जाता है, समझ रहे हैं। फिर आपकी दूसरी है कंदिल गुच्छ तथा पुलकित मूल, इसको हम लोग फैसिकुलेटेड रूट्स भी बोलते हैं। इसका उदाहरण आपके होते हैं डहलिया है, ठीक है। फिर आपका आर्किड है। सिर्फ आपको उदाहरण याद करते चलना है और कुछ नहीं, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना। इससे एक आध क्वेश्चन ही आता है, बताइए मूली में कैसी जड़ या फिर डहलिया में किस प्रकार की जड़, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जानना है। फिर अगला आ जाता है ग्रंथिमय मूल। ग्रंथिमय मूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीच में ग्रंथियाँ बन जाती हैं। इसमें फोटो में आप देख पा रहे होंगे क्या है, ग्रंथियाँ बन जाती हैं। जब जड़ का सिरा भोजन संचय करके अचानक फूल जाता है, ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं, ग्रंथिमय मूल कहलाती हैं। इसका जो उदाहरण है आपका वो है आपका आमा हल्दी, ठीक है। तो इसका उदाहरण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आमा हल्दी में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो ग्रंथिमय मूल पाई जाती हैं। और आमा हल्दी एक प्रकार की कैसी जड़ है, अपस्थानिक जड़ है। शुरू में मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, कन्फ्यूजन जरा भी नहीं रखिएगा। अगर दिक्कत आ रही हो तो दोबारा लेक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। फिर दूसरी प्रकार की जड़ है आपकी मणिकामय या फिर मालाकार। अब इसमें नाम में ही माला आ रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जामिनर भी चलाक होता है, देखो वो आपको ऐसे नहीं लिख के देगा मणिकामय या फिर मालाकार जड़ किस में पाई जाती है, वो लिख के दे देगा मोनिलीफार्म जड़ किस में पाई जाती है। ऐसे हिंदी में लिख देगा, बाकायदा ऐसे लिख देगा मोनिलीफार्म जड़े, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इंग्लिश में याद करना ज़्यादा बेहतर है मुकाबले हिंदी में याद करने से, समझ रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये फूली होती हैं और सकरी होती हैं, मोतियों की माला की तरह यह दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये मोती जैसे बन रहे हैं ना, इसमें तो इसके आकार की ये दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण आपका क्या हो जाता है, तो जो अनेक प्रकार की घासें होती हैं आपकी, ठीक है, घास, इसका उदाहरण क्या है आपका, घास है। अनेक प्रकार की जो घास होती हैं उनमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं आपकी, मणिकामय या फिर मालाकार। फिर एक आपका लास्ट और आ जाता है वलित मूल, जिसको हम लोग एन्यूलेटेड रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए एकदम छल्ले जैसी रचना बन जाती है, समझ रहे हैं, इसकी जड़ों में क्या है, छल्ले जैसी रचना बन रही है, छल्ले जैसी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें केवल छल्ले जैसी रचना बन जाती हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आज के लेक्चर में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको दो भाग में विभाजित कर दिया है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ में आपकी मूली आती है, गाजर आती है, सलजम आती है और चुकंदर आती है। मूली में कैसी जड़, तो फ्यूजीफार्म। गाजर में कैसी जड़, तो शंख रूपी। और सलजम में कैसी जड़, तो आपकी कुंभी रूपी। उसी तरीके से शकरकंद में कैसी जड़, तो अपस्थानिक कंदिल मूल। और डहलिया में कैसी जड़, तो अपस्थानिक कंदिल गुच्छ। बस ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, मैं 100% दावा करता हूँ अगर प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो यहीं से आएगा, इसके अलावा नहीं कहीं बाहर जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एग्री पैराडाइज के साथ। और अगर आप बॉटनी के बाकी सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।